हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडिया मेडिकल लेक्चर अंकित में। और आज हम आपको बताने वाले हैं मेफकाइंड पी सस्पेंशन के बारे में कि इसका उपयोग कब किया जाता है, इस दवा का उपयोग कब किया जाता है, बच्चों में कब इस दवा को दिया जाता है, बच्चों को इस दवा को कब पिलाया जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे और इसके डोज के बारे में बताएंगे। डोज का मतलब होता है खुराक। इस दवा को बच्चों को कितना मात्रा में पिलाना है इसके बारे में भी बताएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं तो कितने मात्रा में पिलाएंगे, कितने खुराक इस दवा का बच्चों को पिलाएंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानेंगे। अगर इस दवा का उल्टा प्रभाव बच्चों पर होता है, अगर इस दवा का दुष्प्रभाव अगर बच्चों पर होता है तो कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, और इसके प्रिक्यूशन के बारे में जानेंगे। प्रिक्यूशन का मतलब होता है सावधानी, चेतावनी। सावधानी चेतावनी का मतलब होता है अगर कोई भी दवा किसी भी बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको ध्यान में रखना है, इसलिए कौन सा ऐसा चेतावनी है उसको ध्यान में रखना है, तो इसके बारे में भी बताएँगे कि इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको ध्यान में रखना है। ब्रांड नेम के बारे में भी जानेंगे कि इस दवा को किस नाम से आप किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकते हैं, कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से आप इस दवा को आसानी से किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अब हम जानेंगे मेफकाइंड पी सस्पेंशन के यूज के बारे में कि इसका उपयोग कब किया जाता है, बच्चों को इस दवा को कब पिलाया जाता है, क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होती है, कौन सी बीमारी होती है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है, इसके उपयोग के बारे में अब हम बताएंगे। फीवर, फीवर का मतलब होता है बुखार। अगर बच्चों को बुखार है तो उस समय इस दवा को पिलाने से उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट फीवर विथ पेन, फीवर विथ पेन का मतलब होता है बुखार के साथ दर्द। अगर बच्चों के शरीर में दर्द है और बुखार भी है तो उस समय इस दवा को पिलाने से उसका दर्द और बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मसल पेन, मसल पेन का मतलब होता है मांसपेशियों में दर्द, उसके मसल में दर्द होगा तो उसे मसल पेन बोला जाता है, और उसके मसल पेन में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बोन पेन, बोन पेन का मतलब होता है हड्डियों का दर्द, ज्वाइंट का दर्द। अगर बच्चों में ऐसा कोई भी दर्द होता है हड्डी में, ज्वाइंट में, तो उस समय भी इस दवा को देने से उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एनी पेन ऑफ बॉडी, शरीर का कोई भी दर्द, शरीर का कोई भी दर्द। अगर मान लीजिए शरीर का कोई भी दर्द का मतलब क्या हुआ, दाँत दर्द, आँख दर्द, नाक दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द, हाथ दर्द, गोड़ दर्द, कोई भी पैर दर्द, मतलब लेग दर्द, जो भी दर्द हो उन सभी दर्द में इस दवा का उपयोग किया जाता है, और कोई भी दर्द हो तो इस दवा से उस दर्द को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन एंड पेन, सूजन और दर्द। अगर बच्चों को चोट वोट लग गया है, सूजन उजन हो गया है, दर्द दर्द हो रहा है, उसको भी इस दवा से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। अगर बच्चे के शरीर में दर्द दर्द हो रहा है, खाली दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं, दर्द हो रहा है, तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इंजुरी पेन, इंजुरी पेन का मतलब क्या होता है, इंजुरी पेन मतलब मान लीजिए बच्चों को चोट वोट लग गया, इंजुरी का मतलब होता है चोट और पेन का मतलब होता है दर्द, इसलिए बच्चों को कहीं चोट वोट लग गया, दर्द दर्द हो रहा है उसके वजह से, तो उसको भी इस दवा से ठीक किया जा सकता है। हमने इसके यूज के बारे में बता दिया है कि इस दवा का कब कब उपयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे, इनमें से कोई भी दिक्कत बच्चों को हो तो इस दवा को पिलाकर उस समस्या को सोल्व भी किया जा सकता है, हमने इसके यूज के बारे में आपको बता दिया है। अब हम इस दवा के डोज के बारे में बताएंगे। डोज का मतलब होता है खुराक और दवा का मात्रा। अगर मान लीजिए किसी भी बच्चों को दवा पिलाना है तो कितना मात्रा में पिलाना है, कोई भी दवा हो तो कितने मात्रा में पिलाएंगे, या इस दवा को बच्चों को देना है या पिलाना है तो कितना खुराक इस दवा का पिलाएंगे, कितने मात्रा में पिलाएंगे, कितने बार पिलाएंगे, एक दिन में कितने बार पिलाएंगे, कितने मात्रा में पिलाएंगे, 5 ml पिलाएंगे कि 2 ml पिलाएंगे, उसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। अगर बच्चा का उम्र 3 महीना से 6 महीना है, कितना, अगर बच्चा का उम्र 3 मंथ से 6 मंथ है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे एक दिन में 1.5 ml 2 टाइम पिलाएंगे। नेक्स्ट अगर बच्चा का उम्र 6 महीना से 12 महीना है, मंथ का मतलब होता है महीना, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है
तो उसे 250 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। उसे कितने बार पिलाएंगे? एक दिन में 2 बार 250 ml। अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है, कितना साल? 2 साल से 8 साल है, तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 8 साल है, अगर बच्चा 2 से 8 साल का है, तो उसे एक दिन में 5 ml 3 टाइम पिलाएंगे। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। नेक्स्ट, BD का मतलब होता है एक दिन में 2 बार, और TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। जब भी दे 4 घंटा के अंतराल में दे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो 4 घंटा का अंतराल रखना है, 4 घंटा का गैप रखना है, तभी इस दवा को पिलाना है। एक बार पिला दिए तो उसके 4 घंटा गैप रखना है, उसके 4 घंटा के बाद दूसरा खुराक पिला सकते हैं। जब भी इस दवा को पिलाना होगा तो इस दवा को 4 घंटा के अंतराल में पिलाएंगे, 4 घंटा का गैप रखेंगे, 4 घंटा का बीच रखेंगे, तब इस दवा को पिलाएंगे। नेक्स्ट, ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा का आवश्यकता होगा तो एक दिन में बच्चों को 3 बार पिला सकते हैं। अगर इस दवा का आवश्यकता होगा बच्चों को पिलाने को, तो इस दवा को एक दिन में 3 बार पिला सकते हैं। हमने इसके डोज के बारे में बता दिया है कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में पिलाना है, इस दवा के कितने मात्रा बच्चों को पिलाना है, कितना बार पिलाना है और कितने दिन पिलाना है। इस दवा को देखिए मैक्सिमम 7 दिन पिला सकते हैं। अगर अपने मन से खरीद कर लाते हैं इस दवा को तो 5 दिन पिलाएँ, 4 दिन पिलाएँ, और नहीं कोई इफेक्ट दिख रहा है तो इस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, बताएं। हमने इस दवा के डोज के बारे में आपको बता दिया है। अब हम इस दवा के ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे। ब्रांड नेम किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। ब्रांड नेम उसे कहा जाता है जिस नाम से यह दवा किसी भी मेडिकल पर बिकता है, जिस नाम से मेडिकल वाला इस दवा को बेचता है उसे ब्रांड नेम बोला जाता है। अब हम इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे कि कौन सा ऐसा ब्रांड नेम है जिस नाम से आप इस दवा को किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। आपको अगर इस दवा को ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम मेडिकल वाले को बताएंगे जो कि आपको वह दवा आपको आसानी से मिल जाएगा, या किसी भी मेडिकल से कौन किस नाम से इस दवा को ख़रीद सकते हैं? तो मेपकाइंड पी सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, 60 ml के बोतल आता है मेपकाइंड पी सस्पेंशन, और आप इस नाम से इस दवा को आसानी से किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकते हैं। जब भी इस दवा को आपको ख़रीदना होगा तो इस नाम से किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है मेपकाइंड पी सस्पेंशन है तो इसमें कौन सा मतलब मेडिसिन उपस्थित रहता है, कौन सा केमिकल उपस्थित रहता है, कौन सा मतलब पदार्थ इसमें उपस्थित रहता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या उपस्थित रहता है जो कि दर्द और बुखार को आसानी से ठीक कर देता है। मेफेनेमिक एसिड होता है। क्या होता है? मेफेनेमिक एसिड होता है। मेपकाइंड पी सस्पेंशन में मेफेनेमिक एसिड होता है जो कि बच्चों में बुखार को ठीक करता है। और एक बात, एक और कंडीशन होता है, जब बच्चों का बुखार जब बच्चों का बुखार पारासीटामोल सस्पेंशन से ठीक नहीं होता है तो इसको देने से बहुत ज़्यादा असर करता है, मतलब बहुत जल्दी उसका बुखार ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए पारासीटामोल नहीं उसके बॉडी में काम कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी पारासीटामोल पिला रहे हैं और उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, और इस दवा को पिला देंगे तो इस बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। पहले उसको पिलाइए पारासीटामोल को, अगर उस पारासीटामोल से बुखार ठीक नहीं हो रहा है उसके बाद इसको पिला कर देखिए और उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। तो इसमें मेफेनेमिक एसिड होता है जो कि बच्चों में बुखार को आसानी से ठीक करता है। अगर बच्चों को बुखार लगा है तो उसके बुखार को आसानी से ठीक करता है। और इस दवा को जब भी ख़रीदना होगा मेपकाइंड पी सस्पेंशन के नाम से ख़रीद सकते हैं। और यह 60 ml के बोतल में आता है, 60 ml का दवा होता है जो कि एक छोटा सा बोतल में आपको मिलता है। हमने इसके ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में बता दिया। ब्रांड नेम मतलब जिस नाम से इस दवा को ख़रीदिएगा, और कंपोजिशन का मतलब कि इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा ऐसा केमिकल होता है, कौन सा ऐसा दवा होता है जिससे इस दर्द और बुखार को ठीक किया जाता है, तो हमने कंपोजिशन के बारे में भी बता दिया है।
अब हम इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। साइड इफेक्ट का मतलब होता है, पहले समझ लीजिए साइड इफेक्ट होता क्या है। साइड इफेक्ट का मतलब होता है दवा का दुष्प्रभाव या उल्टा प्रभाव। हमने दवा को दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए लिया है और हमें उल्टी चालू हो गया। क्या हो गया? उल्टी चालू हो गया, तो वह दवा का साइड इफेक्ट है। क्या है? साइड इफेक्ट, उसी को साइड इफेक्ट बोला जाता है। हमने किसी और काम को ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया है, किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए इस दवा को ले रहे हैं और कोई बीमारी हमको हो जा रहा है इसी दवा से, तो उसे इस दवा का साइड इफेक्ट बोला जाता है। और इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखे, तो इस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। इनमें से कोई भी, जो भी हम साइड इफेक्ट बताएंगे, इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखे तो इस दवा को लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है पेट में दर्द। अगर पेट में दर्द हो तो इस दवा को लेना बंद करें, क्योंकि इसका उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। डिजनेस, चक्कर आना, डिजनेस का मतलब होता है चक्कर आना। गैस्ट्राइट, गैस इरिटेशन, गैस इरिटेशन का मतलब होता है पेट में जलन उलन होता है, जलन उलन शरीर में होने लगेगा, अंदर में पेट में छाती के तरफ, और आपको गैस वैस बनाएगा। नेक्स्ट ड्राई माउथ, ड्राई माउथ का मतलब होता है मुंह सूखने लगेगा, जो माउथ है ना, जो मुंह है वह सूखने लगेगा, उसी को ड्राई माउथ बोला जाता है। नेक्स्ट डायरिया, डायरिया का मतलब होता है दस्त लगना, और दस्त लगने का मतलब होता है बार बार लैट्रिन होना, बार बार लैट्रिन होगा, उसी को डायरिया बोला जाता है। नेक्स्ट स्किन रेसेज, स्किन रेसेज का मतलब होता है त्वचा पर चकते लाली खुजली। जो शरीर है ना, बॉडी, उस तो उसके जो बॉडी है, जो स्किन है, जो चमड़ी है, जो आपका शरीर है, उसके बॉडी पर, आपके बॉडी पर लाली, चकते, रेडनेस और खुजली भी हो सकती है, उसी को स्किन रेसेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यूरिन विथ ब्लड, मूत्र में रक्त आना, और जब बच्चा पेशाब करेगा ना तो उसके मूत्र में यूरिन आएगा। क्या आएगा? उसके उसके यूरिन में, उसके मूत्र में खून आएगा। रक्त का मतलब होता है खून, ब्लड आएगा, ब्लड भी आ सकता है अगर इस दवा का बच्चा उपयोग करता है, और इस दवा का साइड इफेक्ट होता है तो उसके जब वो पेशाब करेगा ना उसमें खून उन आ जाएगा, ब्लड व्लड आ जाएगा, अगर इस दवा का साइड इफेक्ट उसके बॉडी पर हुआ तो। नेक्स्ट ब्लीडिंग विथ वोमिटिंग, ब्लीडिंग विथ वोमिटिंग का मतलब होता है जब वह उल्टी करेगा ना तो उसके साथ कुछ खून का भी भाग आएगा, ब्लड का कुछ भाग आएगा, कुछ रक्त का भाग आएगा। नेक्स्ट लीवर एंड किडनी डैमेज, यकृत और गुर्दे की क्षति। लीवर जो है ना, लीवर और किडनी उसकी डैमेज हो सकती है। अब लीवर और किडनी कैसे डैमेज होगी? मान लीजिए इस दवा का उपयोग बच्चा लगातार बच्चों को पिला रहे हैं, मान लीजिए आपको इसे 5 ml पिलाना है रोज, और 10 ml 8 ml पिला दे रहे हैं और लगातार पिला रहे हैं 10 दिन तक, 15 दिन तक, और डॉक्टर का सलाह नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में बच्चा का लीवर और किडनी खराब हो सकता है। अगर अपने मन से खरीद कर लाएँ तो 4 दिन पिलाएँ और ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से बताएँ। इसीलिए इसका उपयोग लंबा समय तक ना करें, नहीं तो लंबे समय तक इसका उपयोग करने से बच्चे का लीवर और किडनी खराब हो सकती है। जितना मात्रा में पिलाने के लिए बोला है उतना ना ही मात्रा में पिलाइए, ज़्यादा मात्रा में मत पिलाइए। नेक्स्ट जॉन्डिस, जॉन्डिस अब कैसे होगा? जब इस दवा का इफेक्ट लीवर पर पड़ेगा ना तो लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन्डिस, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया रोग, और इस रोग में जो RBC है ना कम हो जाता है, और ब्लड व्लड सूखने लगता है, ब्लड व्लड खून उन सूखने लगता है, और पीला पीला पूरा शरीर पड़ जाता है, आँख में भी पीला पीला दिखने लगता है, तो उसी को पीलिया रोग बोला जाता है, जॉन्डिस बोला जाता है। और जॉन्डिस कब हो जाएगा? जब इस दवा का इफेक्ट लीवर पर पड़ने लगेगा, लीवर को डैमेज करने लगेगा, लीवर पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। हमने इसके साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा किया है, साइड इफेक्ट के बारे में बताया है, और जितने भी साइड इफेक्ट के बारे में अभी बताया है, इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखे तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, और जो भी दिक्कत हो रहा था उस दिक्कत को डॉक्टर को बताएं। अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को पिलाना बच्चों को बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, और जो भी परेशानी हो रही थी डॉक्टर को बताएं। हमने इसके साइड इफेक्ट के बारे में बता दिया है आपको। अब हम इसके प्रिक्यूशन के बारे में जानेंगे। प्रिक्यूशन का मतलब होता है सावधानी, चेतावनी। सावधानी चेतावनी क्या होता है? मान लीजिए इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको ध्यान में रखना है?
कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको ध्यान में रखना है, कौन सा ऐसा चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है मुंह में छाला वाला देखते हैं, पेट में छाला वाला पड़ जाता है, उसे पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। पेप्टिक अल्सर किसे बोला जाता है, मुंह में छाला हो जाएगा, पेट वेट में छाला हो जाएगा, तो उसे पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। और पेप्टिक अल्सर अगर बच्चा का हुआ है, पहले से पेप्टिक अल्सर हुआ है बच्चों को, तो इस दवा को बच्चे को नहीं पिलाना है। क्या करना है, इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है अगर बच्चे को पेप्टिक अल्सर हुआ है तब। नेक्स्ट सीजर्स, सीजर का मतलब होता है मिर्गी आना, बच्चा बार बार बेहोश हो जाता है, दांत लग जाता है, उसे सीजर बोला जाता है। तो उस कंडीशन में भी इस दवा को बच्चे को नहीं पिलाना है। अगर कोई बच्चा है उसको बार बार मिर्गी आता है तो वैसे बच्चों को इस दवा को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज़ किडनी और लीवर प्रॉब्लम्स, जिस बच्चे की किडनी या लीवर ख़राब है उसे ना दें। अगर कोई बच्चा है उसका लीवर और किडनी ख़राब है तो उस बच्चे को इस दवा को नहीं पिलाना है। वैसे बच्चे को इस दवा को नहीं पिलाना है जिसका लीवर और किडनी ख़राब है। नेक्स्ट डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज़ लीवर और किडनी डिजीज, जिस बच्चे को लीवर या किडनी की बीमारी है उसे ना दें। अगर कोई बच्चा है उसे लीवर और किडनी का बीमारी है उसे भी इस दवा को नहीं पिलाना है। कोई बच्चा है लीवर और किडनी का कोई बीमारी है या लीवर और किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो उस बच्चे को भी इस दवा को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट डू नॉट एडमिनिस्टर द मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटीज, दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं, इस दवा को ज़्यादा मात्रा में नहीं पिलाना है। मान लीजिए डॉक्टर ने बताया है 2 ml पिलाइए, या हमने जो बताया है कि 3 ml पिलाइए, 1.5 ml पिलाइए, 2 ml पिलाइए एज के अनुसार, तो उतना ही मात्रा में पिलाइए, इस दवा को ज़्यादा मात्रा में मत पिलाइए, नहीं तो बच्चा के लीवर और किडनी पर ज़्यादा इस दवा का इफेक्ट पड़ेगा और लीवर किडनी डैमेज हो जाएगा जिसके कारण मौत भी बच्चा का हो सकता है। इसलिए इस दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं, जितना खुराक डॉक्टर ने बताया या जितना खुराक बताया गया है उतना ही खुराक पिलाइए। नेक्स्ट डू नॉट गिव इट टू अ चिल्ड्रेन हाउ आर एलर्जिक टू एस्पिरिन एंड डिस्पिरिन मेडिसिन, इसे उन बच्चों को ना दें जिन्हें एस्पिरिन और डिस्पिरिन दवा से एलर्जी है। इस दवा को उस बच्चे को नहीं पिलाना है जिस बच्चे को एस्पिरिन और डिस्पिरिन दवा से एलर्जी है। एस्पिरिन और डिस्पिरिन एक दवा है, एक सस्पेंशन है जो कि किसी भी मेडिकल पर मिलता है, किसी भी मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और जब भी इस दवा को पिलाते हैं और उसको एलर्जी है, मान लीजिए एस्पिरिन और डिस्पिरिन दवा से बच्चे को एलर्जी है, तो उस कंडीशन में इस दवा को नहीं पिलाना है। इस दवा को उन बच्चों को नहीं पिलाना है जिन बच्चे को एस्पिरिन दवा और डिस्पिरिन दवा, एस्पिरिन दवा और डिस्पिरिन दवा से एलर्जी है, उस बच्चे को इस दवा को नहीं पिलाना है। हमने इसके प्रिक्यूशन के बारे में बता दिया है कि जब भी इस दवा को पिलाइएगा तो इस प्रिक्यूशन को जानिएगा, इस सावधानी को ध्यान में रखिएगा और उसके बाद ही इस दवा को अपने बच्चों को पिलाइएगा। थैंक यू दोस्तों।